साथियों जय हिंद। आज हम बात करेंगे फर्टिगेशन की। देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट और मज़ेदार टॉपिक है। कुछ बातों को समझिए, जैसे कि एक गिलास पानी है जिसे आप डायरेक्टली ऐसे ही पी जाते हो, कुछ दवाइयां हैं जिनको आप अलग से डायरेक्टली खा लेते हो। क्या ऐसा किया जाए कि इन दोनों को एक साथ खा लें और अच्छा काम भी कर जाए हमारी बॉडी के अंदर? तो सबसे अच्छा तरीका है इन दवाइयों को इस पानी के अंदर घोल कर पी जाओ, काम भी आसान हो जाएगा, समय भी बचेगा। इसको अलग से नहीं खाना, इसको अलग से नहीं खाना, दोनों को एक साथ मिलाकर खा लो। तो इससे क्या होगा, ये जो दवाइयां हैं उस पानी के साथ हमारी बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम भी करेंगे। सेम टू सेम यही कंसेप्ट हमने लागू किया है अपने एग्रीकल्चर के अंदर। ये जो फर्टिगेशन होता है इसके अंदर दो शब्द हैं, एक होता है फर्टिलाइज़र और एक होता है इरीगेशन। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि हम इरीगेशन देते ही हैं। इरीगेशन को लेकर मैं आपकी कुछ गलतफहमियां दूर कर दूं। रेनफॉल, जब भी कभी बारिश होती है या रेनफॉल होती है उसको कभी भी इरिगेशन में काउंट नहीं किया जाता। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना। इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। आपने कृत्रिम तौर पर कितना उसको पानी दिया, आपने अपने वेल से, ट्यूबवेल से, नदी से, नाले से, टंकी से, जितना भी पानी उसको अपनी तरफ से दिया है वो होता है इरिगेशन। मान लो कि कोई फसल है उसको तीन इरिगेशन की जरूरत है और तीनों इरिगेशन के टाइम पर पानी बरस गया, तो बताइए इरिगेशन आपने कितना दिया? एक भी नहीं। हमारी तरफ से इरिगेशन कितना है? जीरो। क्योंकि उसको जो पानी हम देने वाले थे उसकी जगह पर पानी बरस गया, उसको पानी वैसे ही मिल गया। मतलब इरिगेशन क्या है, जो आप दे रहे हो वो इरिगेशन है। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन क्या है? इरिगेशन है। अब यहां पर समझो, देखो फर्टिलाइजर को, फर्टिलाइजर जो आप इस तरीके से फर्टिलाइजर देते हो यहां पर एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। देखो इसको कुछ इस तरीके से समझो कि मान लो आपके पास 100 रोटियां हैं और आपके घर के बाहर 10 लोग आए हुए हैं, उनको रोटियां चाहिए। तो एक मेथड तो यह है कि आप स्वयं जाइए और उन 10ों को 10-10 रोटियां दे दीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन आपका तरीका जो है वो इस तरीके का है, आप अपने घर की छत पर जाते हो, उन 100 रोटियों को फेंकते हो कि अब रोटियां ले लो, तो उसमें क्या होगा, वेस्टेज ज़्यादा होगा। जो रोटियां आप ऊपर से फेंकोगे 100 में से, 25-30 रोटियां ऐसी होंगी जो ज़मीन पर नीचे गिर जाएंगी, जो खाने लायक नहीं रहेंगी, उनको कोई यूज़ नहीं होगा। उसके बाद जो बची हुई रोटियां जिनको वो ले लेंगे वो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, किसी के पास 10 पहुंच गई, किसी के पास 7 पहुंच गई, किसी के पास 5 पहुंच गई, कोई बेचारे के पास तो रोटी मिलेगी नहीं। सेम कंडीशन यहां पर हो जाती है। ये जो फर्टिलाइजर इस तरीके से हम फेंक रहे हैं, इस मेथड को कहते हैं टॉप ड्रेसिंग। वैसे तो फर्टिलाइजर जो है अपन 25% नाइट्रोजन अपन सोइंग के वक्त दे देते हैं, जब बुवाई करते हैं सीड ड्रिल के टाइम पर ही, और पूरा की पूरा फास्फोरस और पूरा की पूरा पोटेशियम। फिर भी 50% नाइट्रोजन जो हम इस तरीके से देते हैं, इसको कहते हैं टॉप ड्रेसिंग। खड़ी फसल में अपन इस तरीके से फर्टिलाइजर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब अपन फर्टिलाइजर इस तरीके से देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा की पूरा फर्टिलाइजर हमारी इस क्रॉप को मिले। यहाँ पर एफिशिएंसी बहुत कम है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर क्रॉप होती नहीं, वहाँ पर ये फर्टिलाइजर जाकर गिरता है, वहाँ पर क्या करेगा फर्टिलाइजर, क्रॉप तो है नहीं। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर खरपतवार, वीड लगे होते हैं, वीड के प्लांट वहाँ पर होते हैं, उनको ये फर्टिलाइजर मिल जाता है, उनके मजे हो जाते हैं, बढ़िया अपन को तो फर्टिलाइजर मिल गया, वो ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए अपन ने क्या सोचा कि भाई अपन इरीगेशन तो दे ही रहे हैं, इसमें अलग से लेबर यूज़ करो, इसमें अलग से लेबर यूज़ करो। ऐसा करते हैं, इस इरीगेशन के साथ ही ये फर्टिलाइजर मिक्स करके दे देते हैं। अब यहाँ पर भी एक और समस्या है, इरीगेशन मेथड अलग अलग टाइप के होते हैं। ये जो मेथड आप देख रहे हो इसको फ्लडिंग मेथड कहते हैं, बाढ़ की तरह हमने पानी बहा दिया। इस मेथड में तो आप फर्टिलाइजर दे नहीं सकते, पगला जाओगे, जितना फर्टिलाइजर यहाँ नहीं लग रहा था उससे ज़्यादा फर्टिलाइजर इसमें देना पड़ेगा। और हो सकता है ये फ्लडिंग मेथड है, इसके लिए आप पानी कहाँ से लाओगे, कुएं से लाओगे तो क्या कुएं में फर्टिलाइजर घोल के मिलाओगे, बड़े टैंक में लाओगे तो क्या उसमें मिलाओगे, बहुत सारी चीज़ें। तो ये इतना आसान भी नहीं है, ग्लास में पानी के अंदर दवाई घोल के पीने जितना आसान नहीं है जी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। अब इसके लिए सबसे पहली चीज़ अपन को इरीगेशन मेथड चुनना पड़ेगा। ऐसा इरीगेशन मेथड चुनो जो कि सबसे एफिशिएंट हो, जहाँ पर पानी की बहुत अच्छी बचत हो रही हो, उसी में इसका यूज़ करें, इस मेथड में तो यूज़ नहीं कर सकते। अब ऐसा इरीगेशन मेथड कौन सा है? एक है अपने पास यहाँ पर ड्रिप इरीगेशन मेथड, जो कि सबसे बेहतरीन मेथड है फर्टिलाइजर को देने के लिए। पानी तो जा ही रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी सी पाइपलाइन बिछा देते हैं और इन पाइपलाइन के पास छोटे छोटे से यहाँ पर इमीटर्स लगा देते हैं, जिनसे एक एक बूंद करके पानी गिरता है, बूंद बूंद करके पानी गिरता है, इसलिए इसको ट्रिकल इरीगेशन कहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये है आपका ड्रिप इरीगेशन। ये ड्रिप शब्द आप लोगों ने हॉस्पिटल वगैरह में बहुत सुना होगा, वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। आप लोग जब हॉस्पिटल वगैरह में, मैं नहीं चाहता कि आप लोग कभी बीमार हो, लेकिन जब भी कोई हॉस्पिटल जाता है तो उस पर जो बॉटल लगाई जाती है ग्लूकोज की, तो आप देखोगे उसमें एक एक करके बूंद गिरती है, वो क्या कहलाता है, ड्रिप। वहीं से इसका नाम पड़ा है। क्या है? ये भी ड्रिप है। इस तरह की जो तकनीक है ना, वो सबसे पहली बार इजराइल ने डेवलप की थी, एक तरह से कह सकते हैं इसका जो पेटेंट है वो इजराइल के पास ही है। तो इंडिया के अंदर भी ये तकनीक कहां से आई है, इजराइल में। पूरी दुनिया के अंदर ये टेक्निक किसने दी है, इजराइल ने ही दी है। इसके अंदर वाटर सेविंग बहुत अच्छी हो जाती है, जितना पानी अपन नॉर्मली दे रहे हैं ना, इस मेथड में जितना पानी लग रहा है उसमें
50-75% तक की हम पानी की बचत कर सकते हैं। वाटर इसकी हम इरीगेशन एफिशिएंसी की अगर हम बात करें ना, ये जो मेथड आप देख रहे हो इसमें इरीगेशन एफिशिएंसी 50-60% है, वहीं यहाँ पर इरीगेशन एफिशिएंसी 90-95% है। तो ये अब तक का सबसे बेहतरीन मेथड है जो पानी की बचत बहुत अच्छे से कर सकता है और इरीगेशन एफिशिएंसी को बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है। तो भाई ये छोटी छोटी सी ट्यूब हमने बिछा रखी है जो उसी जगह पर जहाँ प्लांट होता है वहीं पर ये छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में पानी उस प्लांट को देता रहता है। तो हमने भाई इससे रिक्वेस्ट करी, यार तू पानी लेके जा रहा है हमारा फर्टिलाइजर भी ले जा। हम भी भाई यहाँ पर हम फर्टिलाइजर क्यों दें, यहाँ पर फर्टिलाइजर क्यों दें, यहाँ फर्टिलाइजर देख क्यों दें, यहाँ पर तो कोई क्रॉप नहीं है, यहाँ पर भी कोई क्रॉप नहीं है। हम भी चाहते हैं कि भाई पानी यहाँ जा रहा है तो हम अपने फर्टिलाइजर को भी यहीं दें, सिर्फ हमारा ये प्लांट ही फर्टिलाइजर का यूज़ करें तो हमारी फर्टिलाइजर की बचत भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस मेथड में अपन फर्टिलाइजर का यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रिप इरीगेशन के साथ साथ अपन फर्टिलाइजर को भी दे देते हैं, तो उस दोनों कॉम्बिनेशन को कहते हैं अपन क्या, फर्टिगेशन। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले तो आप समझो यहाँ पर कि जो फर्टिगेशन है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या अपन सभी प्रकार के फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं? ये जो ड्रिप इरीगेशन आप देख रहे हो, पाइपलाइन देख रहे हो, क्या इसमें अपन किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर को दे सकते हैं? पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आएगा, तो आंसर है नहीं। आप सभी प्रकार के फर्टिलाइजर इस फर्टिगेशन सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जो पानी में घुल जाएं। भाई सीधी सी बात है, आप पानी में घुलकर उसी दवाई को पियोगे ना जो पानी में घुलेगी। आपने दवाई डाल दी ग्लास के अंदर, वो घुली नहीं रही तो उसको कैसे पियोगे? सेम वही चीज़ है, आप यहाँ पर उसी फर्टिलाइजर को दे सकते हो जो पानी के अंदर घुल जाएगा। पानी के अंदर जो फर्टिलाइजर घुल ही नहीं रहा उसको आप दोगे तो ये सारे पाइप जो ब्लॉक हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से मीटर्स होते हैं, सोचो एक एक बूंद करके निकल रही है तो कितने छोटे छोटे पोर होंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा फर्टिलाइजर देना है जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर सॉल्युबल हो, जो पानी के अंदर घुल जाए, वही फर्टिलाइजर। ज़्यादातर मोस्ट कॉमन जो फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? यूरिया अपन यूज़ कर लेते हैं, पोटास फर्टिलाइजर। अब पोटास में भी सुपर फॉस्फेट कभी यूज़ नहीं करते, जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट है, इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, फॉस्फोरस तो है लेकिन कैल्शियम भी है, और कैल्शियम क्या एक सॉल्ट बना देता है। सॉल्ट बनाने की वजह से यहाँ पर क्लॉगिंग हो जाएगी, मतलब जो इमिटर्स हैं, जो पाइपलाइन है वो पूरी ब्लॉक हो जाएंगी, जम जाएंगी, और एक बार अगर ये पाइपलाइन ब्लॉक हो गई तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, इसलिए ये गलती नहीं कर सकते। तो सुपर फॉस्फेट का कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फॉस्फोरस कैसे दें? फिर आप फॉस्फोरिक एसिड दो, MOP का यूज़ करें, सबसे बेहतरीन फर्टिलाइजर है MOP, मोनोअमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, इसके अलावा आप आयरन दे सकते हो, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन, ये सभी चीज़ अपन दे सकते हैं। इसमें फर्टिलाइजर जो एफिशिएंसी है वो 80-85% तक बढ़ जाती है। सोचो कितना ज़्यादा अपन ने फर्टिलाइजर एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ा लिया। अब इस चीज़ को समझा कि ये काम कैसे करता है। देखो ये है आपका ड्रिप इरीगेशन, ये है आपका कुआ, इस कुएं के अंदर या तो ट्यूबवेल कह लो या कुआ कह लो, कुछ भी कह लो, यहाँ पर हमारी मोटर है। इस मोटर से नॉर्मली ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मोटर है, ये हमारी पानी को यहाँ से खींचेगी। हमने एक बल्ब लगा रखा है पानी को कंट्रोल करने के लिए। ये पानी सीधा पहले कहाँ जाएगा? सैंड फिल्टर में जाएगा। देखो यहाँ पर ड्रिप इरीगेशन में फिल्टर बहुत ज़रूरी है, बिना फिल्टर के ड्रिप इरीगेशन काम कर ही नहीं सकता। आज की डेट में ड्रिप इरीगेशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? जितनी भी वाइडली स्पेस्ड क्रॉप है, वाइडली स्पेस्ड क्रॉप मतलब ऐसी फसलें जिनकी कतार से कतार की दूरी, रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा हो, क्योंकि दूरी अगर पास पास में होगी तो उनके बीच में पाइपलाइन बिछाने में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो कतार से कतार मतलब रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा हो, केवल वहाँ पर आप ड्रिप इरीगेशन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जितनी भी वेजिटेबल्स क्रॉप हैं आजकल उन सब में जी अपना ड्रिप इरीगेशन यूज़ हो रहा है, ऑर्चार्ड में अपना ड्रिप इरीगेशन यूज़ हो रहा है, और खास करके अपना पॉली हाउस, ग्रीन हाउस वगैरह में। आज की डेट में अगर 99% जितने भी अपने पॉली हाउस और ग्रीन हाउस हैं सभी के अंदर यही सिस्टम चल रहा है। अब यहाँ पर वही सिस्टम है, पाइपलाइन आपको बिछानी है भाई। अब पाइपलाइन बहुत छोटी छोटी होती हैं, उसमें अगर किसी तरह का कचड़ा, रेत, मिट्टी, ये एलगी वगैरह नहीं आ जाए, ये सब चीज़ों को आपको छानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ब्लॉक हो गए तो सब बेकार हो जाएगा, पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिल्टर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका ऐसे एक फिल्टर लगा रखा है, सैंड फिल्टर। ये सैंड फिल्टर क्या करेगा, आपके पानी में जितना भी सिल्ट होगा उस सिल्ट को छान देगा, जितना भी सैंड होगा उस सैंड को छान देगा, कोई इसके अलावा और कोई अदर फिजिकल इम्प्योरिटी हुई उस फिजिकल इम्प्योरिटी को वो वहाँ से निकाल देगा, कोई लकड़ी, कंकड़ पत्थर कुछ भी हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ से जो है वो हट जाएंगी। उसके बाद मान लो ये पानी और आगे जाएगा तो यहाँ पर स्क्रीन फिल्टर मिलेगा, इसमें अगर कोई भी बायोलॉजिकल जैसे एलगी वगैरह, काई वगैरह तो नहीं है, एलगी वगैरह जो है वो सब यहाँ पर छन जाएंगी। इसके अलावा कोई और दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं जो परेशान कर सकते हैं, क्लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे छन जाएंगे। वहाँ से ये पानी निकल के फिर अपने इस मेन पाइपलाइन में आ जाएगा। ये क्या है, आपकी मेन पाइपलाइन है। इस मेन पाइपलाइन से फिर ये पानी इन चैनल्स में चला जाएगा। ये क्या है, अपनी ये अपनी कह सकते हैं अपन इनको पाइपलाइन है अपनी, ये जो डायरेक्ट कहाँ जाती हैं अपनी, सीधी पेड़ों तक जाती हैं, और यहाँ पर बूंद बूंद करके इन प्लांट्स को पानी मिल जाता है। अब यहाँ पर हमने तकनीक लगाई कि भाई यहीं पर अपन अपना फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो क्या करें अपन, यहाँ पर दो तरीके हैं देखो फर्टिलाइज़र यहाँ पर देने के लिए। अब एक तो आपको यहाँ पर अपना टैंक बनाना पड़ेगा, जैसे कि मान लो ये रहा हमारा फर्टिलाइज़र टैंक, यहाँ पर हमने रख दिया अपना फर्टिलाइज़र, इसके अंदर हमारा फर्टिलाइज़र है,
ये रहा भैया इसके अंदर क्या है अपना फर्टिलाइज़र है, मिला दिया। अब इस फर्टिलाइज़र में हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूशन बना के रखना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र का हमने सॉल्यूशन बना दिया। यहाँ पर हमने इसमें कनेक्शन कर दिया, एक आता है आपका वेंचुरी, क्या आता है आपका वेंचुरी, इसका अपन बहुत कॉमन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं। वेंचुरी क्या होता है, यहाँ पर हमने दो कनेक्शन किए, एक पाइप ये गया आपका, ठीक है, और यहाँ पर अपन लगा देते हैं क्या वेंचुरी। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, आप चाहो तो इंटरनेट पर सर्च कर लेना, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। ये होता है आपका वेंचुरी और यहाँ से पानी फिर इधर आ जाएगा ये, ठीक है भाई। और यहाँ पर एक बाल्ब और लग जाता है, ठीक है, और यहाँ से एक पाइपलाइन जाती है जो कि इस फर्टिलाइज़र के टैंक तक जाती है। अब होता क्या है, ये जो वेंचुरी है ना, ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देता है, पानी जाएगा, हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, मतलब जो पानी है वो भी यहाँ से जाएगा और यहाँ से इसको बंद मिलेगा, तो ये पानी यहाँ से निकलेगा ऊपर की तरफ, ये पानी यहाँ से निकलेगा। जब इस वेंचुरी के अंदर जाएगा तो इस वेंचुरी के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, ये किस पर काम करता है, सिंपल वैक्यूम पर काम करता है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम जब क्रिएट होगा ना, तो इस फर्टिलाइज़र के टैंक में से जो सॉल्यूशन है फर्टिलाइज़र का, वो ऊपर की तरफ खींचेगा और इसके अंदर जाके मिलने लगेगा। तो यहाँ से जो पानी जो है वो आगे जो भी पानी निकलेगा यहाँ से, वो पानी तो आएगा साथ में, ये फर्टिलाइज़र का सॉल्यूशन भी उसके साथ मिक्स होगा और यहाँ से ये पानी फिर सेंड में आ जाएगा, फिर सारी चीज़ें वही होती हैं, पानी जैसे जगह पर रख मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है, इसके अलावा आप यहाँ पर फर्टिलाइज़र पंप का भी यूज़ कर सकते हो। मान लो आप वेंचुरी मीटर का यूज़ नहीं कर रहे, आप वेंचुरी का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर फर्टिलाइज़र पंप का यूज़ कीजिए। पंप जो होगा वो इसको स्प्रे कर देगा। भाई हमको हमारा मेन टारगेट क्या है, कि जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो हमको स्प्रे करना है मेन पाइपलाइन में। तो एक तो तरीका ये है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ किया जाता है वो यही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें सिंपल वैक्यूम वाला काम कर रहा है, अपन को कुछ एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल। और ये जो फर्टिलाइज़र टैंक है जो अपना है, सिंपल सा, कोई भी आप बाल्टी में भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बड़ा सा अच्छा कोई टैंक बनाना है आपको, बाल्टी में भी आप फर्टिलाइज़र रख सकते हो, वहाँ से जो अपने आप ही वैक्यूम की मदद से फर्टिलाइज़र वहाँ चला जाएगा, वो उसमें मिक्स हो जाएगा और सेम टू सेम वही सारी प्रोसेस इसके अंदर हो जाती है। इसके अलावा आप फर्टिलाइज़र पंप का यूज़ कर लीजिए, फर्टिलाइज़र पंप है तो भैया जी मोटर से चलेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगी और ये प्रेशर के माध्यम से फर्टिलाइज़र को इसके अंदर स्प्रे कर देगा, इनटेक कर देगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरीके से अपन जो पानी जा रहा है, अब बूंद बूंद करके जो पानी गिरेगा, उसी बूंद के अंदर फर्टिलाइज़र भी रहेगा, न्यूट्रेंट भी मिलेगा, तो वो भी प्लांट को मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं मिलता, बराबर तरीके से फर्टिलाइज़र मिलता है जैसे पानी मिलता है। तो यही टेक्निक क्या कहलाती है आपकी, फर्टिगेशन। इन दोनों टेक्निक को मिलाकर क्या कहते हैं अपन, फर्टिगेशन। ड्रिप इरीगेशन भी एक तकनीक है, बहुत अच्छी तकनीक है, इसी के अंदर अपन ने फर्टिलाइज़र भी मिला दिया कि भाई तुम्हारा फर्टिलाइज़र भी ले जा, तो ये हमारा क्या हो गया, इरीगेशन प्लस फर्टिलाइज़र, तो ये क्या हो गया अपना, फर्टिगेशन। यही चीज़ होती है और इसी तरीके से ये सिंपल कंसेप्ट है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है वेंचुरी वाला मेथड। ये आपका हो गया क्या, फर्टिगेशन। धन्यवाद।